hello everyone welcome you all to economics fundamentals in our previous class we have discussed the human capital formation in india and now we are dealing in about rural development so first of all we should understand what is rural development and what does it means so as i have written over here the rural development is quite a comprehensive term but इट इसेंशली मीन अ प्लान रूरल डेवलपमेंट इज क्वाइट अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म बट इट इसेंशियली मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विच आर लेगिंग बिहाइंड इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी सो आज की क्लास में हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक प्लान ऑफ एक्शन वैसे तो ये एक बहुत बड़ी टर्म है बहुत वाइड इसका एरिया है लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें हम विलेज इकोनमी के डेवलपमेंट की बात करते हैं उन एरियाज में वेहर दे आर लैगिंग बिहाइंड। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि फॉर द डेवलपमेंट आई मीन नॉट ओनली आई मीन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज और दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बट द एक्चुअल डेवलपमेंट लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ रूर एरिया सो असल में जो डिवलपमेंट है वो रूर एरियाज के डेवलपमेंट से ही जुड़ा है क्योंकि हम जानते हैं कि मोर देन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन हमारी रूलर एरियाज में रिजाइड करती है रूरल एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटी है आज भी 50 परसेंट से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं लेकिन उसका शेयर धीरे धीरे जैसे ही हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया धीरे धीरे उसके शेयर में गिरावट आई डीएक्सिलेट हुआ वो थ्री परसेंट से और आज 2017-18 में आते आते वो 18 लगभग 18 परसेंट उसका जीडीपी में शेयर रहा लेकिन उस दर से जिस दर से जीडीपी में शेयर में घटौती हुई है कमी आई है उस दर से जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं इम्प्लाइड हैं उनका जो है वो चेंज नहीं हुआ है ये एक मेजर इशू हमारे आगे रहा है जो वर्क फोर्स है वो नहीं शिफ्ट हुई है इसीलिए अल्टरनेट चैनल्स की बात होती है इसीलिए बात होती है कि जो एग्रीकल्चर की जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे एनिमल हजबेंड्री है या लाइव स्टॉक है फ़िशरीज़ है इनमें ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इसकी बात हम अभी करेंगे सबसे पहले बात करते हैं की इश्यूज इन रूलर एरियाज़ तो रूरल एरियाज के आगे सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं पहला जो इशू है डियर लर्नर्स दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर यस ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं होगा तब तक रूरल uh, डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो ग्रामीण विकास है हमारा नहीं हो सकता किसी भी चीज को डेवलप होने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी है सेकंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पिछले चैप्टर में हमने बात की ह्यूमन कैन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल सर्टेन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज जब एक व्यक्ति के अंदर सर्टेन एक्सपर्टीज आ जाती है नॉलेज आ जाती है तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ वी कैन कन्वर्ट अ मैन इनटू द ह्यूमन रिसोर्स देन लैंड रिफॉर्म्स यस लैंड रिफॉर्म्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इन रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज लैंड रिफॉर्म्स कंसिस्ट लाइक द लैंड सीलिंग दी अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़ जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जमींदारी सिस्टम होता था ज़मींदारी प्रथा थी तो दे वर कॉल्ड एज इंटरमीडियरीज ऐसे इंटरमीडियरीज बिचौलियों को हटाना फिर लैंड टू द टिलर्स किसानों को लैंड दी जाए और आ, जो लैंड सीलिंग को लागू करना जिसे हम चकबंदी भी कहते हैं कि दी अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लैंड विच अ प परसन कैन हैव तो ये स्ट्रिक्टली हमें लागू किया जाए नेक्स्ट है पॉवर्टी एलिविएशन वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल एज वी नो दैट स्टिल द टू थर्ड पॉपुलेशन आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज एंड वन थर्ड पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन and that is why these uh, kind of poverty will lead to certain deterioration uh, like uh, we will see in case of environmental degradation that uh, the deforestation or cutting of trees has become an economic compulsion in rural areas एरियाज जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पेड़ों को काटना है एक इकनॉमिक कम्पल्जन नहीं क्योंकि पीपल आर पुअर्स सो दे हैव टू फुलफिल देयर नीड्स इस वजह से वहाँ पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ा इशू है जो एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहा है और हमारे रूरल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी रुकावट है सो दीज आर दी सर्टेन की इश्यूज इन रूरल एरियाज विच हैज टू बी डेल्ट वाइल वी आर डीलिंग विद रूरल डेवलपमेंट सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन देन आई विल टेल यू दी क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज So, uh, now we are dealing with credit and marketing in rural areas. First, we will discuss the credit system in rural areas. So, first, we should know the uh, importance of credit. Yes, uh, credit is uh, very important in uh, rural areas as we know that uh, there is a huge gap between sowing and harvesting. सो so, इस दौरान बीजों को बीजारोपण के बाद और जो फसल की कटाई होती है उसके बीच में बड़ा गैप होता है उस दौरान किसानों को तरह तरह के खर्चों की ज़रूरत होती है सबसे पहले तो सीड परचेजिंग के लिए फिर फर्टिलाइज़र्स के लिए इरिगेशन के लिए हार्वेस्टिंग के लिए भी तो ये तमाम ख़र्चे पूरे करने के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज़ लेना पड़ता है तो इस वजह से इस जो क्रेडिट है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दूसरी बात क्रेडिट जो रूलर इकोनॉमी है उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है तो इसलिए समय समय पर जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसके लिए किसानों की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी कई बार उनकी अपनी कंजम्पशन नीड्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो कर्ज लिया जाता है वो कंजम्पशन नीड्स को ही फुलफ़िल करने के लिया जाता है कई बार सोसाइटल नीड्स होती हैं सोशल नीड्स लाइक अपने बच्चों की मैरिज करनी हैं कोई और सोशल फंक्शन करना है तो उसमें उसके खर्च के लिए भी किसान लोन लेते हैं कर्ज लेते हैं अब सवाल पैदा होता है कि उनके सोर्सेस क्या क्या हैं तो मेनली हम सोर्सेस को दो हिस्सों में बांटते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल दिस यू नो ऑलरेडी यू मस्ट हैव रेड मनी एंड क्रेडिट इन क्लास टेंथ एज वेल तो वहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल करके दिया है नॉन इंस्टीट्यूशनल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हो सकते हैं फ्रेंड्स रिलेटिवस ओके, दे मनी लेंडर्स मनी लेंडर्स ट्रेडर्स और दूसरे रिच फार्मर्स हो सकते हैं है ना तो इसमें क्या होता है हम uh, जो, uh, है, जो रूरल पीपल हैं जो रूरल फार्मर्स हैं वो लोन लेते हैं कर्ज लेते हैं ज़्यादातर वक्तों में जितने भी स्मॉल या मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं या लैंडलेस लेबरर्स हैं उन्हें अपनी कंजम्पशन नीड्स को ही फ़ुलफ़िल करने के लिए लोन लेना पड़ता है और उसके आ, उसका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि वो उस में दबते चले जाते हैं और डेप ट्रैप का शिकार हो जाते हैं ऋण के जाल में फंस जाते हैं एंड सुसाइड तो इस तरह के जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसिस इसके होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल के इंस्टीट्यूशनल में आप देखते हैं रूरल इकोनमी में एक नाम आता है नबार्ड नबार्ड पर एक क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट नो अबाउट दिस नबार्ड नबार्ड इज एन एपेक्स बॉडी फॉर द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम इसके इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डिवेलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ये जुलाई नाइनटीन एटी टू में इस्टेब्लिश हुआ 1982 में स्टेब्लिश हुआ इट एक्ट एज एन एफेक्ट बॉडी फॉर रूरल बैंकिंग सिस्टम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसके अंदर ये सुप्रीम बॉडी है उसके बाद हम आ, बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स आर आर बीज ओके आर आर बीज स्टैंड फॉर रीजनल रीजनल रूरल रूरल बैंक्स, ओके अच्छा नबार्ड तीन तरह के लोन देता है एक शॉर्ट टर्म लोन होता है मीडियम टर्म लोन होता है और एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए होता है जो लैंड uh, डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दिया जाता है इसमें uh, जो आर आर बीज हैं रीजनल रूरल बैंक जैसे अलग अलग रीजन में आप देखते हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिमा बैंक और दूसरे जो बैंक्स होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उन सभी को हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं क्योंकि ये रीजन वाइज एक्टिवेट होते हैं ऑपरेटेड होते हैं और इनकी हेड बॉडी नबार्ड है तो वहीं से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिलता है और ये ऑपरेट करते हैं जो इनके जो क्रेडिट की जो टर्म्स होती हैं वो भी Uh, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर कमर्शियल बैंक्स और नेशनलाइज बैंक्स इसमें कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं कमर्शियल बैंक्स जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं रूरल एरियाज़ में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स भी ऑपरेट करते हैं आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकी भी अलग अलग एक्सटेंशन ब्रांचेस वगैरह वहाँ पर ऑपरेट कर रही होती हैं कमर्शियल बैंक्स वो सारे बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं और जिनका नेशनलाइजेशन किया गया है ये कई बार जो आर हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं कई बार डायरेक्टली जो कस्टमर है उसको जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक इसमें होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक एल जिनको कहा जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक वो है 25 फाइव ईयर्स के लिए जो बात की थी कि लैंड डेवलपमेंट के लिए जो लोन दिया जाता है इसकी परिकल्पना 1920 में पहली बार आ गई थी जब झांग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का वहाँ से लैंड डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत होती है लेकिन ये पॉपुलराइज कब होता है जब उन्नीस में चेन्नई में एक एल खुलता है अगर हम नोटेबल एल की बात करें तो गुजरात कोऑपरेटिव लैंड एग्रीकल्चरल एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक ये इसका एक नोटेबल एग्जाम्पल है उसी तरह केरला कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट एंड रूलर बैंक इस तरीके से बहुत सारे जो एल हैं वो ऑपरेट कर कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनकी संख्या अब कम कर रही है तो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की मर्जिंग चल रही है आप लोग जानते हैं तो दीज आर सम इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट विच आर अवेलेबल इन रूरल एरियाज नाउ यू कैन पॉज द वीडियो देन आई विल टेल यू मोर इसके बाद हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एस एस जीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी आपने क्लास टेंथ में डिस्कस किया था और तीन से पंद्रह मेंबर का ग्रुप हो सकता है और ज़्यादा मेंबर भी इसमें आ सकते हैं वो स्मॉल स्मॉल सेविंग एक सर्टेन अमाउंट में हर महीने इकट्ठा करते हैं और जब उनकी सेविंग पूल हो जाती है एक हीवी अमाउंट हो जाता है तो फिर अपने किसी एक नीडी पर्सन्स को वो लोन दे देते हैं उसी से और फिर इजी इंस्टॉलमेंट में विद लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको जो है रिकवर कर लेते हैं रिपेमेंट वो कर दिया जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीज पीपल आर वेरी पुअर दे के नॉट फुलफिल द टर्म्स ऑफ क्रेडिट विच आर लेवीड बाई दी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दी कमर्शल बैंक्स और दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज़ वेल सो so, इसलिए ये एक अच्छा काम कर रहा है इसमें कुदुम्बा श्री एक एग्ज़ाम्पल है आ, केरल की ये एक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है एक विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है जो केरल में 1995 में इम्प्लीमेंट किया गया था कुदुम्बा श्री और इसने आ, जो थ्रिफ्ट और सेविंग के चलते जब एक करोड़ की सेविंग इन्होंने पूल कर ली तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव एक्लेम्ड एज द एशियाज़ लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक्स तो एस जी भी एक अच्छा रोल अदा कर रहा है इसमें रूरल डेवलपमेंट में अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम की ये तो क्रेडिट सिस्टम की बात हुई अब है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम जो आ, मार्केटिंग सिस्टम है इसके ऑब्स्टेकल्स दैट हेंडर्स दिस मैकेजम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम प्रायर टू इंडिपेंडेंस बहुत सारे ऐसे किसान होते थे जिन्हें बहुत सस्ता सस्ते दामों पर अपनी जो क्रॉप है अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचना होता था कई बार इग्नोरेंस के चलते उन्हें प्राइस का पता नहीं होता था कई बार वो पहले से डेप ट्रैप में होते थे उसकी वजह से हो जाता था फिर Uh, कई बार जो इवन आज भी जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है विद मोस्ट ऑफ द फार्मर्स तो 10 परसेंट तक जो प्रोड्यूस है वो वेस्टेज में चला जाता है सिर्फ इसीलिए कि प्रॉपर एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी है अब ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन इंटरवीन इसमें किया जाए सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड सो देर आर सर्टेन मेजर्स विच आर इनिशिएटेड बाय दी गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम अ सक्सेस सो फर्स्ट वन वाज द रेगुलेशन ऑफ मार्केट फर्स्ट जो सरकार ने किया वो मार्केट का रेगुलेशन है रेगुलेट करने से मार्केट को क्या फ़ायदा हुआ इट वॉज़ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए ये बेनिफिशियल रहा प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी जैसे हम देखते थे कि जो ऑब्स्टिकल्स थे इसके आगे कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस इवन सम समॉट आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज वेल कि जो फॉल्टी वेइंग सिस्टम था या जो मैन्यूपलेशन ऑफ अकाउंट्स था वो चलता रहा कि जो तोलने की जो सिस्टम था वो उसमें बहुत सारे दोष हुआ करते थे कम तोला जाता था दूसरे इसको जो है गलत तोला जाता था फिर आपका जो है मैन्यूपलेशन किए जाते थे अकाउंट्स में ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई रेगुलेशन होने से मार्केट का तो कंज्यूमर को भी बेनिफिट हुआ प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट हुआ एक स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम आया प्रोड्यूसर के लिए जो है कंज्यूमर उसमें कैटेगराइजेशन किया गया ग्रेडिंग किया गया जो अनाज है उसका तो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहा दूसरा है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज रोडवेज रेलवेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो बेटर फैसिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप किया जाए जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी मंडी तक आपकी रीच होगी और रो, जो रोड हैं वो बेटर डेवलप होंगे रेलवेज का डेवलपमेंट होगा तो उससे डेफिनेटली जो है वो आ, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और देयर विल बी मोर अर्निंग फॉर फार्मर्स एज वेल नेक्स्ट है कॉपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग में आ, आपने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म्ड होती हैं जो एक ही तरह के लोग होते हैं जैसे गुजरात इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है गुजरात में मिल्क सोसाइटीज़ फॉर्म्ड हुई फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अमूल सो so, जैसे अमूल है आंचल है या मदर डेरी है इस तरह की जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये सेम प्रोफेशन के लोग एक साथ आते हैं और फिर उसको जो है वही उसके मैन्युफैक्चरर होते हैं वही सेलर होते हैं यानी डायरेक्ट टू द कंज्यूमर सो इस तरह से दे अर्न मोर प्रॉफिट है ना तो इसको और लोगों ने भी अप्लाई किया बट इसके ड्रॉबैक्स ये रहे कि इसमें जो फार्मर्स का शेयर है वो काफ़ी कम रहा फार्मर्स का रिप्रेजेंटेशन कम रहा दूसरे ये इसमें फाइनेंशियल जो अवेलेबिलिटी है या फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उसकी क्राइसिस भी है और आगे हम देखते हैं इसमें पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तीन तरह के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट के होते हैं पहला इसमें है एम एस पी अश्योरेंस ऑफ एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है समय समय पर की फसल का इतना मूल्य आपको दिया जाएगा अगर कोई इससे कम में लेता है तो आप सीधा सरकार को भेज दीजिए दूसरा है प्रोक्योरमेंट ऑफ बफर स्टॉक बफर स्टॉक विच हैज बीन प्रोक्योर बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एफ प्रोक्योर करती है बफर स्टॉक हमेशा इमरजेंसी के टाइम के लिए होता है कहीं फेमाइन आ गया ड्रॉट हो गया तो उसके चलते गवर्नमेंट की बफर स्टॉक सो विच इज बाय बाई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और तीसरा है आपका पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें आ, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन स्टोर शॉप्स वगैरह हैं जिसमें सब्सिडाइज रेट्स पर ग्रेन्स और शुगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अभी कोरोना दौर में आ, सरकार ने जिन जिनके पास ये राशन कार्ड्स थे उनको मुफ्त राशन दिया है पिछले छः महीनों में मुफ्त राशन मिला है तो ये सारी जो फैसिलिटी होती है पहले से ही सब्सिडाइज रेट पर मिलता है लेकिन इस लॉकडाउन के चलते या जो फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए लोगों के आगे उस वजह से जो जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्री किया गया है तो ये आ, कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं जो सरकार फॉलो करती है और जिस तरह से ये मेजर्स जो है, हैं इनिशिएट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन देन आई विल टेल यू समथिंग मोर अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स की हम बात कर रहे हैं ऐसा माना जाता है कि अगर डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है वो सीधा कंज्यूमर को सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और ये बात सही है तो किसान अगर सीधा बेचेगा विदाउट इंडल्जिंग एनी इंटरमीडियरीज़ सो उसका प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा होगा तो इस पर अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स चलाए गए हैं जिसमें ये ख़ुद का इनिशिएटिव है किसानों का अपनी मंडी इसका एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा राजस्थान में उसी तरीके से आपका जो है हड़ास पर मंडी है जो पुणे में है फिर रायथू बाज़ार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उजावर सेंडीज़ है जो फार्मर्स मार्केट है तमिलनाडु में तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स के हैं फिर बात उठती है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की नीड एंड सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए डाइवर्सिफाई दो तरह से किया जा सकता है पहला क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके और दूसरा जो वर्क फोर्स है उसको शिफ्ट करा जाए एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज़ में जो उससे जुड़ी जैसे जैगरी मेकिंग है भाई शुगर केन की खेती हो रही है उससे जैगरी मेकिंग में लोग इन्वॉल्व हो जाएं गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है कोलू चलाए जाते हैं सो इस तरीके से एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगा करके जैसे आपका आ, एनिमल हजबेंड्री है लाइव स्टॉक का है और फिशरीज हैं तो इस पर हम आ, बात करते हैं पहले आप देखेंगे इसमें हम देख रहे हैं एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री, एनिमल हजबेंड्री।, एनिमल हजबेंड्री। ओके, okay. सो so, ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है इन प्रोमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन एनिमल हजबेंड्री में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्ट्री का है लाइव स्टॉक में आप देखें आ, हमारे यहाँ पर गोट है फॉल हैं ये काउज हैं बफेलोज हैं दीज आर दम्पोर्टेंट स्पीशीज आ, विच वी आर यूजिंग और पोल्ट्री का जो इसमें शेयर है वो सबसे ज्यादा होता है तो इसमें आ, इसके लिए आ, इसको हम इंक्रीज जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करने के लिए अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया हैट अबाउट 300 मिलियन कैटल इंक्लूडिंग 108 मिलियन बफेलोज इन 2012 थाउजेंड दो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव बट इट्स प्रोडक्टिविटी वॉज नॉट एज गुड एज इट कुड बी हमारी जो स्पीशीज़ uh, हैं या जो हमारे पास नंबर ऑफ कैटल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी लो थी तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इम्प्रूव uh, टेक्नोलॉजी चाहिए और इम्प्रूवड वेटनरी केयर की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी जिससे हम ब्रीडिंग को अपनी बढ़ा सकें और वेटनरी केयर uh, अगर मिलेगी तो जो भी डिजीजेस उनमें अकर्ड होती हैं उनका जो है ट्रीटमेंट किया जा सकेगा फिर आप देखेंगे कि जो डेयरी सेक्टर है उसमें हमने देखा ऑपरेशन फ्लड चाहे नाइनटीन हो या वाइट रिवोल्यूशन हो तो दोनों से ही जो हमारा इसमें गुजरात ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके So, इसमें आ, किसानों को एश्योरेंस दिया जाता है कि आपके जो प्राइसेस हैं वो सेफ़ हैं और आपको ज़्यादा प्राइस दिए जाएंगे पहले के मुकाबले जो भी आप आ, मिल्क प्रोवाइड कर पाते हैं तो इससे आ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ आगे अगर हम देखें फिशरीज़ सो फिशरीज़ ने जो एम्प्लॉयमेंट दिया है उसमें वीमेन का बहुत बड़ा रोल है अभी भी आप देखेंगे जो इनलैंड हमारा फिशरीज़ है वो 64 परसेंट तो इनलैंड से ही आ जाता है और बाकी जो 36 है वो मरीन रिसोर्स से आता है तो जिसमें आपका सी और ओशंस आता है तो 64 परसेंट इनलैंड जो रिसोर्स हैं हमारे वहीं से आ जाता है आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं वीमेन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 60 परसेंट वीमेन की साइड से है और बाकी 40 परसेंट जो है वो उसमें इंग्लैंड में लगा हुआ है तो इस तरीके से ये एक अच्छा सोर्स है वीमेन को एम्प्लॉयमेंट देने में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है और जो फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं अगर उनकी बात करें तो आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु है महाराष्ट्र है बंगाल है ये लीडिंग फ़िश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे पास हैं और जीडीपी में भी ये 0.6 परसेंट का कंट्रीब्यूशन करता है तो इसमें भी काफ़ी स्कोप नज़र आता है अल्टरनेटिव आ, जो इसके आ, रूरल डेवलपमेंट के आ, अल्टरनेट के रूप में या नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के रूप में नॉन फार्म एक्टिविटी में फिर आगे हॉर्टिकल्चर की बात अगर हम करते हैं हॉर्टिकल्चर इंडिया जो है वो आ, वेल well ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ सॉइल पाई जाती है और क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशनस देखने को मिलते हैं इसीलिए इंडिया एक लीडर की तरह उभरा है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स लाइक मैंगोज़ बनानाज ऑरेंजेस सो इस तरीके से ये uh, बहुत सारे फ्रूट्स नट्स uh, और वेजिटेबल्स uh, इन सबको जो है ट्यूबर क्रॉप्स में बहुत सारी वैरायटीज दुनिया को देता है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भारत का स्थान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट से, सेकंड नंबर पर आ गया है ठीक है फिर इसमें आप तो दीज आर सम नॉन फार्म एक्टिविटीज वेहर The enough opportunities for employment generation is there. So, uh, learners, now we have arrived over the last section of this rural development. After the alternative marketing channels and the non farm activities, the agricultural diversification. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी uh, बहुत बड़ा रोल है आप देखेंगे इट कैन बी यूज़ इन प्रडिक्टिंग एरियाज़ ऑफ फूड इन सिक्योरिटी आई टी की मदद से हम ऐसे एरियाज़ को प्रोडिक्ट कर सकते हैं जहाँ पर फूड इन सिक्योरिटी अराइज़ हो सकती है अगर पहले से हम ऐसे प्रडिक्शन कर पाए तो जो इमरजेंसी की सिचुएशन है उसको पैदा होने से रोका जा सकता है दूसरा देखेंगे डिसेमिनेट इन्फॉर्मेसन आई जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है आ, लोगों को जागरूक करता है बताता है अबाउट द प्राइस अबाउट द प्रोसीजर अबाउट द वेदर कंडीशंस, दैट विच वेदर कंडीशंस आर आइडियल फॉर सर्टेन क्रॉप्स सो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन फैलाता है फिर रिलीजिंग क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज जो क्रिएटिव पोटेंशियल जनरेट होता है जो नॉलेज जनरेट uh, होती है उसको रिलीज़ करके आ, उसको डिसेमिनेट uh, करके ये जो है जो रूरल इकोनमी है उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है और लास्ट में है एम्प्लॉयमेंट uh, जनरेशन क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एज वी नो दैट एग्रीकल्चर इज ओवर इज ओवर विद द पीपल देन रिक्वायर्ड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम ऑफ डिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रिवेलिंग ओवर देयर स्टिल परसिस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि शेयर तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में घटता चला गया सत्रह अट्ठारह में आते आते सत्रह परसेंट अट्ठारह परसेंट रह गया लेकिन जो डिपेंडेंट वर्कफोर्स है जो डिपेंडेंट पीपल हैं एग्रीकल्चर पे, उसमें कोई सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन uh, नहीं हुआ सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम तो आईटी इंडस्ट्री में क्या है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे चांसेस हैं सो दिस इज़ वॉट द रूरल डेवलपमेंट